A very good morning to all my dear students. How are you all? I am Shalini and today I am going to explain you your chapter 8, The Brook by Alfred Lord Tennyson. A.L. Tennyson ne isko likha hai. The Brook. Brook ka matlab kya hota hai? Brook ka matlab ek choti si jal ki dhara. पहाड़ी नदियाँ होती हैं ना, तो बहुत ही छोटी सी धारा मीन्स वो वहाँ पर बड़ा बड़ा सा रूप ले भी नहीं पाती, क्योंकि वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है ना, तो बहुत ही पतली सी धारा होती है लेकिन फोर्स बहुत होती है. तो ऐसी एक छोटी सी ब्रूक के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे इसके बारे में. फर्स्टली आई मस्ट मेंशन अबाउट एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. इनका इनकी बर्थ हुई थी 6 अगस्त 1809 को. कहाँ पर? यूके, यूनाइटेड किंगडम. और इनकी डेथ हुई थी, he died on again 6 अगस्त को ये इनकी इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ हुई 6 अक्टूबर. डेट वही है, मंथ एंड ईयर हैज बीन चेंज्ड. 6 अक्टूबर 1892. ओके, और इनकी डेथ भी हुई थी यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसको ब्रिटेन भी कहते हैं हम. ओके, now I am going to explain the poem. I come from haunts of coot and hern. Haunts माने घर, home. Haunts माने home of coot and hern. Coot and hern क्या है? छोटे छोटे से वाटर बर्ड्स होते हैं. वाटर बर्ड्स मीन्स पानी में रहने वाली चिड़िया नहीं, पानी के किनारे रहने वाली चिड़िया. और ऐसे वाटर बर्ड्स जो जो पानी में से छोटी छोटी मछलियाँ या छोटे छोटे इंसेक्ट्स को पकड़ के खाती हैं, ऐसे वाटर बर्ड्स. तो आई, आई कौन है यहाँ पर? आई इज़ ब्रूक. ब्रूक बता रहा है अपने बारे में, आई मैं आता हूँ कहाँ से? कूट और हर्न के घर से, वहाँ से निकलता हूँ मैं. आई मेक अ सडन सैली. आता हूँ मीन्स वहाँ से निकलता है. आई मेक अ सडन सैली कि मैं अचानक से दिखाई देता हूँ. सैली मीन्स आउटिंग, अचानक से दिखाई देता है. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक छोटी सी जगह से हमें लगता है एक बड़े से पत्थर के नीचे से पानी निकल रहा है, लेकिन उसके नीचे से पता नहीं कहाँ से आ रहा है, पेड़ों के नीचे, झाड़ियों के नीचे, बड़ी चट्टानों के नीचे से होता हुआ आ रहा है. तो कहीं पर अचानक से हमें दिखने लगता है, फिर कहीं छुप जाता है पत्थर के नीचे. तो यहाँ पर आई मेक अ सडन सैली मीन्स मैं अचानक से दिखाई देता हूँ. एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न. फर्न मीन्स छोटे छोटे पहाड़ी पौधे, उनमें उनके बीच से चला जाता हूँ. टू बिकर डाउन अ वैली. बिकर मीन्स जब वो पहाड़ बड़े बड़े चट्टानों से और पत्थरों से टकराता है, तो यहाँ पर उसके लिए एक टर्म यूज़ किया है कि वो उनसे लड़ाई लड़ता हुआ जाता है. नीचे ऊपर पहाड़ों से नीचे वैली में, घाटी में जाने के लिए उस पानी को क्या करना पड़ता है? लड़ाई लड़नी पड़ती है. तो यहाँ पर एक टर्म लिया है, बिकर. बाय थर्स्टी हिल्स आई हरी डाउन. हरी मीन्स जल्दी से, डाउन माने नीचे जाना. बाय थर्स्टी हिल मैं प्यासी पहाड़ियों से नीचे आता हूँ. और स्लिप बिटवीन द रिजेस या ऊंची 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 चट्टानों के बीच से स्लिप करके नीचे आता हूँ. स्लिप करना मीन्स फिसल के आता हूँ. बाय 20 थॉप्स अ लिटिल टाउन एंड हाफ अ 100 ब्रिजेस. ये ऐसा ब्रूक अपने बारे में बता रहा है कि मैं
बहुत सारे विलेजेस में से और बहुत सारे लैंड्स में से, बहुत सारे ब्रिजेस के नीचे से निकल के, पुलों के नीचे से निकल करके और यहाँ तक पहुँचता हूँ। ठीक है, बहुत सारे गांव से होता हुआ, बहुत सारे खेतों के पास से होता हुआ, बहुत सारे पुलों के नीचे से होता हुआ, वहाँ से मैं नीचे आता हूँ। टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो। फिलिप्स फार्म मीन्स ये किसी किसान का नाम है कि मैं फिलिप के खेतों के पास से आता हूँ। टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर मीन्स वहाँ से एक छोटी सी जलधारा आ रही है और वो कहाँ आ रही है, पूरी ऊपर तक भरी हुई उफनती हुई नदी, जो बहुत बड़ी सी नदी है, उसको जॉइन करने, उसमें मिलने के लिए नीचे आ रहा है। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। और इंसान, इंसान आते रहते हैं जाते रहते हैं, मीन्स इंसान जन्म लेते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है, चले जाते हैं, बट आई गो ऑन फॉर एवर। लेकिन ब्रूक कह रहा है कि मैं हमेशा ऐसे ही बहता रहता हूँ, मीन्स इंसान की डेथ हो जाती है लेकिन मैं कभी नहीं मरता, मैं हमेशा ऐसा ही रहता हूँ। आई चैटर ओवर स्टोनी वेज। चैटर मीन्स बोलना। अच्छा, पानी बोलता कैसे है? उसकी आवाज़ें होती हैं, है ना, कि जब वो पत्थरों के ऊपर से बह रहा है या गिर रहा है ऊपर से, तो उसके पानी की आवाज़ होती है। तो उसने कहा कि मैं अपने पथरीले, स्टोनी वेज मीन्स पथरीले रास्तों पर बोलता हुआ चलता हूँ। इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स, छोटे छोटे कंकड़ों के ऊपर से, पत्थरों के ऊपर से मैं बहता हूँ। आई बबल इंटू एडिंग बेज, और जहाँ पे गोल गोल कई जगह पानी घूम जाता है तो उसमें, एडिंग वेज मीन्स गोल गोल घूमता हुआ पानी, उसमें मैं जाता हूँ तो मेरे अंदर से बबल आते हैं। आई बैबल ऑन द पेबल्स, पेबल्स होते छोटे छोटे कंकड़, तो उनके ऊपर से आता हूँ तो मेरे अंदर से छोटी छोटी आवाज़ें आती हैं, धीरे धीरे आवाज़ आती है। विद मैनी अ कर्व माई बैंक्स आई फ्रेट, और जब बार बार मैं मुड़ता हूँ तो मेरे जो किनारे होते हैं, बैंक माने किनारा, वहाँ पर मैं कुछ नाराज़ हो जाता हूँ। मीन्स किनार, जब बार बार तेज़ी से मुड़ के बहती है ना नदी या छोटा छोटी जलधारा, तो वो तेज़ी से टकराती है किनारों पर, तो वहाँ पर उसको टर्म दिया गया फ्रेट, यानी कि ये नाराज़ होता है, गुस्सा हो जाता है। तो पानी जब तेज़ी से आ रहा है तो उसको कंपेयर किया है कि वो इस वक्त नाराज़ है, पानी ज़ोर से आ रहा है। बाय मैनी अ फील्ड्स एंड फैलो, और मैं बहुत सारे खेतों में से, और फैलो मीन्स बेकार की पड़ी हुई ज़मीन, जो खाली पड़ी हुई होती है, जहाँ पे कुछ उगता नहीं है, ऐसी जगहों से निकल करके आता हूँ। एंड मैनी अ फेरी फोर लैंड सेट, और बहुत सारी ऐसी जगहों से, जैसे जो नदी में अंदर तक एक लैंड का टुकड़ा आ जाता है, ऐसी जगहों से निकल करके मैं आता हूँ। विद विलो वीड एंड मैलो, विलो वीड और मैलो क्या होते हैं, ये एक तरीके के पानी में के आसपास उगने वाले घास फूस होते हैं। तो इन सब से निकलता हुआ मैं आगे आता हूँ, कौन, ब्रूक। आई चैटर चैटर एज आई फ्लो, और जब मैं बहता हूँ तो मैं लगातार चैटर करता हूँ, बोलता रहता हूँ, बातें करता रहता हूँ। टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, और ये आगे क्यों आ रहा है, ताकि वो बड़ी वाली रिवर को, जो ऊपर तक पानी से भरी हुई है, मीन्स बहुत ज़्यादा पानी है जिस रिवर में, उसमें मिलने के लिए, उसको ज्वाइन करने के लिए आगे आ रहा हूँ। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, और इंसान आते हैं चले जाते हैं लेकिन मैं हमेशा बहता रहता हूँ, मैं हमेशा रहता हूँ। आई विंड अबाउट एंड इन एंड आउट, विंड अबाउट मीन्स रन इन अ ट्विस्टिंग पाथ, विंड अबाउट मीन्स गोल गोल, बार बार मुड़ रहा है, बार बार इधर जा रहा है उधर जा रहा है, मीन्स वो एक स्ट्रेट वे में फ्लो नहीं करता है, जो पहाड़ में से आने वाली छोटी जलधारा होती है, नदी होती है, वो स्ट्रेट वे में नहीं जाती, वो कभी पत्थरों से टकरा कर इधर मुड़ जाती है, फिर इधर मुड़ जाती है, रास्ते में कोई बड़ा सा पहाड़ आ जाता है तो उधर चली जाती है, तो वो गोल गोल घूमती हुई जाती है, बार बार मुड़ती है। विद हियर अ ब्लॉसम सेलिंग, और कभी कभी उस पानी में उसके साथ बह करके कौन आ जाता है, ब्लॉसम, फ्लावर भी आ जाता है। एंड हियर एंड देयर अ लस्टी ट्रॉट, और उस पानी में यहाँ वहाँ कौन तैरता है, लस्टी मीन्स फैट, मोटी सी, ट्रॉट,
fish, मोटी सी मछली. एंड हियर एंड देयर आर ग्रेलिंग. ट्रॉट और ग्रेलिंग ये मछलियों की स्पीशीज़ है, कि उसमें मोटी ताजी सी ट्रॉट और ग्रेलिंग फिशेज तैरती रहती हैं उस ग्रुप में. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. विल मीट इन नेक्स्ट सेशन विद रेस्ट ऑफ द पार्ट. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.